हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और आज है फ्राइडे। हाँ, फ्राइडे आज। और सुबह के बज रहे 7:30-7 बजे मैं उठ के आई थी। उठ तो हम गए थे 5:30 बजे, माँ ही उठ गई थी, बट अब वो सो गए, हम उठ गए। तो मैंने यहाँ पे चढ़ा दिया आलू, आज आलू के पराठे इंशू के लिए। और ये मेरा सौंफ का पानी, इसमें क्या क्या आप बहुत बार पूछ चुके हो, तो इसमें सौंफ है, जीरा है, कॉफ़ी है और हल्दी। बस इसको बॉयल करूँगी थोड़ा, फिर पी जाऊँगी। गाइस, यहाँ से होता है हमारा रूटीन स्टार्ट। आटा लगा के रख दिया है, आलू बॉयल हो जाते हैं, फिर बनाऊंगे आलू के पराठे। तो गाइस, पराठे बना दिए सबके ब्रेकफास्ट के। और कहा? अच्छा, गुड मॉर्निंग बोल दो, गुड मॉर्निंग बोल दो, गुड मॉर्निंग बोल दो, जल्दी बोल दो। वो बोल दी, आप बोल दो, गुड मॉर्निंग बोल दो। गुड मॉर्निंग गाइस, हम सब उठ गए हैं। मेरी भी बोल दे, गुड मॉर्निंग। इसका अलग ही चले, गुड मॉर्निंग। तो गाइस, तीनों बच्चे उठ गए हैं, एक को पहले भेजते हैं, फिर दो को देखते हैं कैसे है। दोनों बच्चे सो गए ना, कि पुछ को ये रहा और माऊ ये रहा, अलग अलग बेड पे सो रहे दोनों। गाइस, नहा ली हूं मैं और अंशु भी, और आज बहुत बड़ी गलती होगी, माई गिर गई आज, और माई की लग गई बहुत ज़्यादा, दिख भी नहीं रही शायद, ये पूरा लाल हो गया। दिखाओ माई, ऊपर मुंह कर, माही लाल हो गया माई। मेरे को हम ये सोच लिया हमने कि माई को बेड के ऊपर बैठाएं ना, अगर हम कहीं इधर उधर गए तो इसके ऊपर बैठाएं, गद्दे के ऊपर। ये इंशु का गद्दा है जो गर्मी में सोती थी वो, और अब इस पर बैठाएंगे अगर हम साथ रहे तो बेड पे, क्योंकि इधर उधर हो जाए ना उछल के गिर जाती है, और ना बुरा सा लग रहा है। और मम्मी को देखो रिएक्शन बताएगी अभी। मैं बना रही हूँ खाना और अंशु देख रही है बच्चों को, क्योंकि अब हम ना ऐसे नहीं छोड़ सकते बच्चों को बिल्कुल भी, क्योंकि आज माई गिरने के बाद हमारे ना अक्ल लगी। तो मैं खाना बना लूँ अंशु से, बच्चों को पता लगेगी, मम्मी भी मना जाएंगे। आलू के पराठे बना रही हूँ मैं, अब भी रो रहे थे क्योंकि एक बच्चा हमेशा रोता रहता है, तो ज़रूरी है। इस बज रहे हैं 3:30 और माई सो गई है। माई के मैंने बताया था चोट लग रही है पीछे, तो ना बार बार मतलब सो रही है, फिर उठ रही है, सो रही है, उठ रही है, पता नहीं उसके दर्द हो रहा है क्या हो रहा है। तो अभी मुश्किल से सोई है, और माई ना पुचकी को ले गया अंशु नीचे, क्योंकि वो सो चुकी और वो रोती है तो माई भी उठ जाती है, इसलिए ना उसको नीचे ले गए ताकि ये घंटा सो सके अच्छे से। तो अभी मैं भी इसके साइड में सोऊंगी, क्योंकि देखती है ना एकदम की उठ के कोई नहीं है, फिर रोने लग जाती है। तो दिखाती हूँ आपको, बहुत ज़्यादा मतलब बुरा सा लग रहा है कि हमारी वजह से गिर गई। दिखाती रेड हो रहा है बिल्कुल, सर सो रहा है मेरा बच्चा। तो गाइस, शाम को मिलते हैं। गाइस, बज गए 5:30 और ना माई चली गई उधर, हमने ना झूला डाल लिया, मम्मी ने लिया था झूला, माई छोटी थी तब, तो अब कभी डाला ही नहीं, जरूरत ही नहीं पड़ी कि माई बेचारी रुक जाते, पर कुछ ही नहीं रुकती, इसलिए हमने ना उसके लिए वो झूला डाला था, इसमें आराम से लेके थी दोनों मैंने। तो अभी वो उड्डा उधर ले गया झूले को भी और माई को भी, तो अभी उठ के आएंगे तब दिखाती हूँ मैं। लालम पीता, अंशु कर रही है काम, पिचकु भी आ गया ऊपर, माई भी आ गई ट्यूशन से। हेलो हेलो हेलो, बस 5 मिनट है। हाँ हूँ, कुछ नहीं, कोई जवाब नहीं, पहले बैठ के खा, कोई जवाब नहीं, हेलो बोल दो, आ बोल दो, आ, ओ
बोलो। ओ नहीं बोल नहीं है गाइस, दाल चढ़ा दी मैंने और इंशु देख रहे टैब पाया खा रही है माई चल के टीच के पास। चलो दाल बने। सो गाइस मैं बैठी हूँ कच्ची रसोई में और मैंने बताई थी कल तेल लाख थी तो कल नहीं बनी, आज है चतुर्दशी तो आज बन रही थी चूल्हे पे बना रही। तो गाइस ये रहा वो झूला और ऊपर उल्टा टांग रहा हूँ सही है। तो ये टक गया झूला, पूछ की बैठेगी अब इसमें माचिस डाल दो क्योंकि दिन से पक टाइम है। भाई ना इंचो झूला आ गया, झूले में बैठ जा। लगा रही हूँ बाटा, दाल बनाई आज, दाल बन गई है। ये बैठ गया माई, ये रुकती नहीं है, अब इसके सामने बैठूंगी ना तो रुक जाइए, आटा लगाऊंगी बैठ के। सो गाइस हो गया सबका डिनर और ये जोत आज की मतलब इसकी खीर और लापसी बनी थी घर पे बताई थी मैंने। तो फिलहाल कपड़े चेंज कर लेते हैं, अंशु कर रही है, फिर चलते हैं नीचे दूध दूध लेके। अब मैं कैमरा शुरू करते ही लड़की की ना बात आवाज शुरू हो जाए। सुनोगी ना तो गाइस इस व्लॉग को हम यहीं पे एंड करते हैं। हम आ गए हैं नीचे और अब व्लॉग डेली बना रही हूँ तो सेम कंटेंट देना पड़ रहा है, अगर क्या ही लाऊं मैं अलग से क्योंकि घर से बाहर जा नहीं सकते, जाते भी नहीं हम क्या बहुत कम घर, कहाँ जाएं बच्चों के साथ में कहीं निकलना जाते। मैंने ना अपनी तरफ कैमरा कर लिया तो मेरे रास्ते भी है कि मेरे को दिखाओ कैमरे में। इस माई की चोट अब ना सर थोड़ा स्वेलिंग तो कम हुई है, देखो ये दिख रही है लाइन, एक मिनट रुको माऊ दिखाओ दिखाओ बेटा देखो ये लाइन और ये थोड़ी सी स्वेलिंग ये ज्यादा हो रही है। दिखाते तो हो नहीं आप, देखो ये लाइन सीधी ये ना बेड जैसे जो ये नहीं देखो ये टीका वाले बेड का उस वजह से देखो ये भालू। तो गाइज इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। डेली ब्लॉगिंग कैसे लग रहे हैं जरूर बताना कमेंट में और मिलते हैं कल सैटरडे को, तब तक के लिए बाय बाय गुड नाइट।